हेलो एवरीवन, प्रोटीयस एट प्रोफेशनल के अंदर लाइब्रेरी को ऐड करने का क्या आपको भी मसला आ रहा है? देन इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मोस्टली प्रॉब्लम आती हैं इसे ऐड करते वक्त। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले जो प्रोसीजर है वो डाउनलोड करने का, आपको प्रोटीयस की कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं होगा तो देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा ये है कि ये डायरेक्ट लिंक है गूगल ड्राइव का, यहाँ पे आपको इंस्टॉल डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपली ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये चंद KB की फाइल है, तो ये चंद सेकंड में ही डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है, ये देख सकते हैं आपके 17.3 KB की ये फाइल है, तो ये उसी वक्त देख के डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर कंप्रेस के अंदर ये फाइल आ चुकी है आर्डिनो लाइब्रेरी की। ये एक जिप फाइल है, मुझे इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इसे जल्दी से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास हमेशा दो फाइल्स होंगी, .idx एंड .library फाइल। ओके, वो कुछ कंडीशंस में, कुछ लाइब्रेरीज की कंडीशन में आपके पास फर्दर भी फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि सिमुलेशन की फाइल या एग्जांपल्स की फाइल। यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रोटियस की फाइल लोकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोटियस डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन दी फाइल लोकेशन करूंगा। अब यहाँ पे जो फाइल लोकेशन आएगी वो मेरे पास एग्जैक्ट बिन की लोकेशन आ जाएगी। अब मुझे इस बिन की लोकेशन से बाहर जाना है, तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो यहाँ पे तमाम फोल्डर मेरे सामने मौजूद होंगे। अब यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी फोल्डर को फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन, तो मैं कुछ आपसे केसेस डिस्कस कर लेता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास वो लाइब्रेरी फोल्डर इस तरीके से बाहर ही हो, जैसे बिन डाटा ड्राइव, ये लाइब्रेरी ये फोल्डर है, इसी तरीके से लाइब्रेरी का एक फोल्डर हो उसके अंदर आप चले जाएंगे। अब मेरे केस में डाटा के अंदर आप देखेंगे, मैं डाटा के अंदर आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी का फोल्डर है, तो मैंने तो अपनी कंडीशन के अंदर इसे कंट्रोल वी कर देना है, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी से इसे पहले ही पेस्ट कर रखा हुआ है तो देन मैं इसे रिप्लेस दी फाइल इन दी डेस्टिनेशन ये करूंगा, तो देन ये रिप्लेस हो जाएगी आपकी कंडीशन में, डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा। अब इसे ही इंस्टॉल करना कहते हैं। लाइब्रेरीज को प्रोटियस के अंदर इंस्टॉल करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो इसे ही इंस्टॉल करना कहते हैं, यानी कि आप लाइब्रेरीज की इन दो फाइल्स को उठा के ला के यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद आप जब अपने प्रोटियस को बंद करके चलाते हैं तो देन वो लाइब्रेरीज आपके पास आ जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आएंगी वो, लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ कुछ और चीज़ों की कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस फोल्डर को फाइंड करने में, ये जो लाइब्रेरी फोल्डर है। बाज का ये होता है कि ये हिडन होता है। अब ये हिडन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर तो विंडो 8, 9, 7 मतलब आप विंडोज के अंदर है, मैक के अंदर नहीं, विंडोज के अंदर है, तो देन आपके पास यहाँ पे होम की ऑप्शन है, ऊपर आप देखें, ये देखें होम की ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू की ऑप्शन भी है, तो होम शेयर एंड व्यू, आपके पास भी व्यू की ऑप्शन हो सकती है। मे भी अगर आपकी विंडो है, मेरे पास विंडो 10 है तो मेरे पास सिर्फ ये दो कंडीशन आ रही है, मे भी आपके पास विंडो 11 है तो देन ये वेरी कर सकती है, लेकिन व्यू की ऑप्शन जरूर होगी। तो आपको व्यू की ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे शो एंड हाइड का एक कॉलम बना हुआ होगा। ओके, ये एक सेक्शन है शो एंड हाइड का, यहाँ पे हिडन आइटम्स है, मेरा हिडन आइटम्स के ऊपर चेक लगा हुआ है। इसे चेक करने का क्या मतलब होगा, शो द हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट आर मार्क्ड एज हिडन। ओके, क्योंकि प्रोटियस के अंदर बाज का जब आप किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो प्रॉपर वे में इंस्टॉल नहीं करते तो देन ये होता है कि आपकी लाइब्रेरी हिडन होती है। वो लाइब्रेरी जब हिडन होती है तो देन ये होता है कि आपको लाइब्रेरी फोल्डर ही नहीं मिल रहा होता, तो आप कहते हैं कि मैं इसे पेस्ट कहाँ पे करूँ, क्योंकि लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर पेस्ट किए बगैर आप इसे नहीं ऐड कर सकते प्रोटियस के अंदर, इसका कोई और मेथड नहीं है। तो यहाँ पे शो एंड हिडन पोर्शन में से आपको हिडन आइटम्स के ऊपर टिक मार्क करना है ताकि आपको हिडन फोल्डर्स भी दिख सकें, तो फिर आपको मे बी हिडन फोल्डर दिख जाएंगे, तो वहां से आप अपने लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर आएंगे और आके आप अपनी फाइल्स को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब ऐड करने के बाद हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये ऐड हो चुका है या नहीं हो। तो अगर आपने प्रोटियस ओपन करके रखा हुआ है, यानी कि प्रोटियस यहाँ पे रनिंग कंडीशन के अंदर है, आपके टास्क बार के अंदर चल रहा है, तो उसे पहले एक दफा बंद कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो आप कोशिश करिए कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लें। जब आप रीस्टार्ट करके वापस आएंगे तो देन ये होगा कि आपके तमाम सॉफ्टवेयर बंद हो चुके होंगे, आप दोबारा खोलेंगे तो देन आपकी जो वो लाइब्रेरी होगी वो ऐड अंदर हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो प्रोटियस है वो ओपन हो जाएगा।
अब ये प्रोटियस जैसे ही ओपन होगा तो आप सिंपली यहाँ पे स्कीमेटिक कैप्चर की विंडो के अंदर आ जाए, और यहाँ से हम लोग जाएंगे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने की तरफ। मुझे सिर्फ इस स्क्रीन को एडजस्ट करने दें। अब यहाँ पे आपको लिखना है आर्डिनो, ओके। यहाँ पे मैंने जैसे ही आर्डिनो लिखा तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये आर्डिनोज, तमाम आर्डिनोज इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर किसी किस्म की भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, कंपोनेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं और सेंसर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन तमाम के लिंक्स जो होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, एक एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा जिसके अंदर ये तमाम चीजें होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक गूगल ड्राइव के अंदर ये तमाम चीजें ऐड की हैं, तो देन मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। ये वो गूगल ड्राइव है जो कि मैंने प्रोटियस लाइब्रेरी के नाम से क्रिएट किया हुआ है। मैं इसका ही लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप मुझसे अगर कहेंगे कि हमें वो चाहिए तो देन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं इसे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोटियस की ये जो लाइब्रेरीज हैं ये इनकी जिप फाइल्स हैं, और जो यूट्यूब है उसकी पॉलिसी वेरी कर रही है रिलेटेड टू द लिंक, जो कि लिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं बाहर जाने के लिए, यूट्यूब से बाहर जो लेके जाते हैं लिंक्स, तो उसके लिए पॉलिसी वेरिएशन आ रही है। इस वजह से मैं वहां पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, और साथ में अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज को ऐड किया है, फर्दर करता रहूंगा। आप जैसे ही इसके लिंक आपको मिल जाएगा तो देन ये होगा कि आप इजीली उस लिंक की मदद से आप इसे फाइंड कर पाएंगे, और जब मैं नई लाइब्रेरीज ऐड करूंगा तो देन उसका वो भी आप फाइंड कर पाएंगे इसी ड्राइव के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखने के लिए सिस्मेटिक वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं प्रोटियस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोटियस से रिलेटेड लाइब्रेरीज कैसे क्रिएट करनी है और ऐड कैसे करनी है वो भी है, और उसके अलावा कि प्रोटियस के ऊपर एक कम्प्लीट सीरीज, अभी तक 17 वीडियोज हो चुकी हैं, ये सीरीज बनाई है मैंने, तो आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ लिंक रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियो आने की सूरत में आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।